अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मद वअला आलिही वसहबी अजमईन अम्मा बाद फाऊज़ बिललाहि मिनश्शैतानिर रजीम بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم آمنت بالله آمنت بالله استقم الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المؤيد المبين المكين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا سبحان اللہ क्या नाम है भाई साहब क्या नाम है मोहम्मद फिरोज मोहम्मद लगाइए ना हाँ आजकल तो जवान से पूछे क्या नाम है तो दम सीना चौड़ा करके बोलेगा एमडी फिरोज एमडी लुकमान एमडी जुमराती अबे गुलामे नबी है गुलामे अंग्रेज कब से बन गया हाँ देखिए पूरी रात शाम से जलसा सुन रहे हैं आप पाँव फैला के चौड़ा होके बैठे हो मुफ्ती शफीक रजा शमशी खतीब यूरोप एशिया और अल्हम्दुलिल्लाह वैसे खतीब हैं कि ऐसे पीरे तरीकत रहबरे राह शरीयत मुर्शिदे बरहक काते नज़्लो वहाबियत जो अल्हम्दुलिल्लाह 5 मार्च की तारीख में सरजमीन रामपुर ब्रीत में आ रहे हैं काजी शहर बनारस काजी बनारस गुलाम यासीन साहब क़िबला जिनके सज्जादा नशीब हैं मुफ्ती शफीक रजा शमशी और मैं अपने कान से मेरे घर पे हुजूर अभी तो नहीं आ रहे लगभग 2-3 साल से मधुबनी की धरती पे काजी बनारस अल्लामा गुलाम यासीन साहब क़िबला मगर 2 साल पहले अक्सर हर 1 महीने 1.5 महीने 2 महीने पे मधुबनी तशरीफ लाते थे तो अपनी जबान से फरमाते थे जब कहीं से फोन आता था कॉल आता था हजरत किसी मजबूरी के कारण नहीं जा पाते थे पीरे तरीकत तो हुक्म करते थे जलसे वाले से कि मैं अपने खलीफा को भेज रहा हूँ उस खलीफे का नाम मुफ्ती शफीक रजा शमशी का नाम लिया करते थे सुभान अल्लाह वैसे खतीब की खिताबत से आप तमाम हजरत ने अपने कुलूब अजहान को मुनव्वर मुजल्ला मुजक्का मुसफ़ा किया है और पाँव कोई मतलब बाएं फैला रहे हैं दाएं फैला रहे हैं इस तरह नहीं बैठ के जलसे में बैठे हैं आप किसी दुनियादार के सभा में नहीं बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह आज की रात मदीने के ताजेदार के सभा में बैठे हैं इसलिए सलीके से बैठिए करीने से बैठिए ताकि आपका बैठना रब की बारगाह में कबूल हो जाए बोलिए आमीन जमीन मैली नहीं होती जमन मैला नहीं होता एक मर्तबा और हाथों को उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह एक मर्तबा और या रसूल अल्लाह पंडित सोमनाथ सोमी जो मुल्के भारत के जिला फैजाबाद शहर अयोध्या से बिलोंग करता था पंडित सोमनाथ सोमी लिखा मदीने पाक से होकर वो हवा आती है हम मरीजों के लिए बुए शफा लाती है कैसे है बोलो जो कहते हैं नबी को अपनी तरह बशर अरे हम तो हिंदू हैं मुझे हया आती है और पंडित कालिका प्रसाद जो बंगाल से बिलोंग करता था पंडित कालिका प्रसाद नबी की शान में नबी के प्रेम में डूब करके लिखता है शमशो कमर को मुट्ठी में दबा दे कौनेन की नेमत को आंखों में छिपा ले फिर पूछ पंडित कालिका प्रसाद से कि ऐ पंडित कालिका प्रसाद बता तू क्या ले कालिका प्रसाद तरप कर बोले नालायन मुस्तफा को मेरे आंखों से लगा दे नालायन मुस्तफा को मेरे आंखों से लगा दे जिन लोगों को जो दरूद पाक याद है एक मरतबा तेजी में दरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफी है ना हबीब है ना तबीब है ना कुलूब है ना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आज के जमाने में आज के इस दौरे पुरफतन में आज लोगों का नजरिया लोगों की हालतें इतनी बद से बदतर हो गई है कि आज के इस दौरे पुरफतन में हर कोई किसी न किसी से मोहब्बत करता है हर कोई किसी न किसी से प्रेम करता है हर कोई किसी न किसी से दिल लगाता है हर कोई किसी न किसी से इश्क करता है हर कोई किसी न किसी से प्यार करता है आज के इस दौरे पुरफतन में लोगों की हालत बद से बदतर हुई तो कोई वक्त के प्रधान से मोहब्बत करता है
है ताकि जरूरत पड़ने पे मेरा सहारा बन जाए, कोई वक्त के एमएलए से मोहब्बत करता है ताकि जरूरत पड़ने पे मेरा सहारा बन जाए, कोई वक्त के एमपी से मोहब्बत करता है ताकि जरूरत पड़ने पे मेरा सहारा बन जाए, कोई वक्त के क्रिमिनल से मोहब्बत करता है ताकि जरूरत पड़ने पे मेरा सहारा बन जाए, कोई वक्त के प्राइम मिनिस्टर से मोहब्बत करता है ताकि जरूरत पड़ने पे मेरा सहारा बन जाए, कोई वक्त के एसपी से मोहब्बत करता है ताकि जरूरत पड़ने पे मेरा सहारा बन जाए, गोया के हर एक दुनियादार किसी न किसी दुनियादार से मोहब्बत करता है ताकि जरूरत पड़ने पे मेरा सहारा बन जाए, मगर इस दौरे पुरफतन में हम आशिक के आला हजरत गौसो ख्वाजा के दीवाने हुजूर सदर शरिया के आशिक, आखिर हम लोग आखिर किन से मोहब्बत करें, आखिर हमारा सहारा कौन होगा, क्या हम भी एमपी से मोहब्बत करें, क्या हम भी एमएलए से मोहब्बत करें, क्या हम भी क्रिमिनल से मोहब्बत करें, क्या हम भी दारोगा से मोहब्बत करें, क्या हमारा सहारा भी क्रिमिनल होगा, क्या हमारा सहारा भी एसपी होगा, क्या हमारा सहारा भी इंस्पेक्टर होगा, क्या हमारा सहारा भी मिनिस्टर होगा, क्या हमारा सहारा भी एमएलए होगा, क्या हमारा सहारा भी एमपी होगा, आइए पूछते हैं मुफ्ती अशरफ साहब बरकाती से, हुजूर बताइए ना आज के इस दौरे पुरफतन में हर एक दुनियादार किसी न किसी दुनियादार से मोहब्बत करता है ताकि मेरा सहारा बन जाए, मगर हम सुन्नी बरेलवी मुसलमान, हम हुजूर सदर शरिया के दीवाने सुन्नी मुसलमान, आखिर हम किन से मोहब्बत करें, हमारा सहारा कौन होगा, मुफ्ती अशरफ रजा बरकाती ने जवाब दिया, और इकबाल चतुर्वेदी घबराने की जरूरत नहीं है, हमारा सहारा वही होगा जो घोसी के हुजूर सदर शरिया का सहारा है, हमारा सहारा वही होगा जो बरेली के हुजूर ताजू शरिया का सहारा है, हमारा सहारा वही होगा जो बरेली के इमाम अहमद रजा खान का सहारा है, हमारा सहारा वही होगा जो सुरताही शरीफ के बाबा तेग अली का सहारा है, हमारा सहारा वही होगा जो बिहार शरीफ के बाबा मखदूम बिहारी का सहारा है, हमारा सहारा वही होगा जो कलियर शरीफ के बाबा साबिर कलियरी का सहारा है, हमारा सहारा वही होगा जो अजमेर के गरीब नवाज का सहारा है, मैंने कहा हुजूर इन मुकद्दस बुजुर्गों का सहारा कौन है, हम सुन्नियों का सहारा कौन होगा, हम सुन्नी मुसलमान किन से मोहब्बत करें, मुफ्ती अशरफ रजा बरकाती ने जवाब दिया, ओए इकबाल चतुर्वेदी अगर इसका जवाब चाहिए तो यहाँ वहाँ कहीं ना चलो, चलो मुल्क भारत के शहर बरेली में इमाम अहमद रजा खान से इसका जवाब पूछ लेते हैं, कि इमाम अहमद रजा खान की बारगाह में हुजूर के कदमों को थामा, हुजूर से पूछे बताइए ना हुजूर इन मुकद्दस बुजुर्गों का सहारा कौन है, हम सुन्नियों का सहारा कौन होगा, हम आशिक के हुजूर ताजू शरिया का सहारा कौन होगा, तो इमाम अहमद रजा खान ने बरेली शरीफ की टूटी हुई चटाई पर बैठ करके कलम को उठाया और इमाम अहमद रजा खान ने बताना शुरू किया, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, गमजदों को रजा उसे दीजिए, बेकसों का सहारा चाहते हैं। सबसे पहले ये समझिए मोटा मोटी बात कि हिंदू धर्म में चार मशहूर किताब है, कितनी किताबें हैं गौर से सुनिएगा, माइंड टू रिमेम्बर, ओके, एक का नाम ऋग्वेद, एक का नाम अथर्ववेद, एक का नाम यजुर्वेद, एक का नाम सामवेद, 18 पुराण है, कितना पुराण, 18 पुराण, पद्म पुराण, भूषण पुराण, शिव पुराण, अष्टकंड पुराण, मार्कंडेय पुराण, द्वितीय पुराण, ब्रह्मा पुराण, लिंग पुराण, भागवत महान पुराण, अग्नि पुराण, विष्णु पुराण, कल्कि पुराण, भविष्य पुराण, और भी दीगर किताबें हैं, एक किताब का नाम है कबीर बीजक, एक किताब का नाम है तुलसी रामायण, एक किताब का नाम है उपनिषद, इन तमाम किताबों के हवाले से तो ना बोल पाएंगे मगर चंद किताबों के हवाले से बोलने की कोशिश कर रहे हैं, एक मर्तबा हाथों को उठा के बोलिए और या रसूल अल्लाह, एक मर्तबा और या रसूल अल्लाह, यदा यदा ए धर्मश है, यदा यदा ए ग्रंथ है, यदा यदा ए पूर्णमात्मा आगतम बहुतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम हे नबी मंगलम, दुखरम सुखरम जीवनम मंगलम, मंगलम हे नबी हे शफी मंगलम, मंगलम कारणम सर्जनम मंगलम, मंगलम वैभवम दाता प्राणमय।
माई मंगलम, मंगल में आमना बहु मंगलम, मंगल में हलीमा सुनी मंगलम, तम 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 बलिदान भो मंगलम विश्वान नमो नमः। कोटि कोटि प्रणाम मस्तक सकल प्रजा जनम, हे दीन बंधु ध्यानिधि अभिनंदनम अभिनंदनम अभिनंदनम, सुस्वागत भे शाहे जन्म तिथि मोहम्मदम प्रतिभा अर्धभूतलौकिक प्रतिमा सुंदरम, तीर्थ रूपम स्वर्गशम मक्का नगर पावनम, पुण्य बिंदु सुशोभित मरुवादि ज्योति जन्म स्थलम, स्वर्गजन आराध्य प्रिय तैबा नगर शुभ शाहितम, सूर्य कनकर प्रकाश चीर मनोहर मंगलम, स्वर मनोहर शीतलम छवि मोनि प्रिय दर्शनम, दानी परमावीर रु करुणानिधि पुरुषो जाको चाकुधारम, ला इलाहा इल्लल्लाह हिरण्य पापम इल्ला लम्मा परम पिदम जन्म वैकुंठ प्राप्ति तुई जपो नामो मुहम्मदम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, एकम इवम द्वितीय नीना नाश्ते 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 बरहमात किंचन संबल ग्राम मुक्षहे बरहमात माशहे महात्मना भवने विष्णु यशकल की परादुर्वशयति सोमतियम विष्णु यशम गर्माधातिये विश्वान्नमो नमः। प्रथम ताराग्यम पैवम द्वितीयम दंड मुच्यतम तृतीयम कुंडलाकारम चतुर्थ अर्ध चंद्रका पंच बिंदु संयुक्तम मित्र ज्योति रूपकम स्वाहा अज्ञान हेतु कृत मोहमदारम अंधिकारम विनाशम विधायम हेत हेदूत विवेक हेत अस्मिनंतरे बलेश आचार हे हयात हे महामदशुषाक समन्वीत, एको जगदीश्वरा एको जगत गुरु सरो अवतार सत्य सरो धर्म सत्य सरो ग्रंथ सत्य सरो सर्वता समान नमो नमः। अत्यंत शक्ति सारम सुंदरम तुई जी जग जग किरत मोहम्मदम अवतारम नमो नमः। संदूषम मह प्रथम मह रोतम मह सुखम मह मध्यम मह सुंदरम मह शांतियम मह ओम शांतियम विश्वान नमो नमः। मंत्र पढ़े अच्छा लगा? इतना मंत्र कोई चतुर्वेदी से सुने हैं एक बार में? ईमानदारी बताइए ना, ईमानदारी सीना में दिल है तो नहीं है दिल तो बताते कहें सुने हैं? तर्जमा सुना दें, तर्जमा सुना दें इसका। जब तर्जमा सुनाएंगे तो ऐसा लगेगा कि बैठे हैं भूल के नेपाल पे, लग रहा है इनकी धरती पे, लगवा की धरती पे और दिल मदीने की गलियों में टहल रहे हैं। किसी और हजरत की सवारी नहीं बल्कि इमाम अहले सुनन फखरे सबियो समन आयो तुम विनायत अल्लाह अच्छे रसा सच्चे रसा हम सबके रसा अच्छा इमाम अहमद रजा खान आला हजरत की जवानी। आला हजरत ने कलम को उठाया और लिखना शुरू किया सबसे आला मौला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, जिनके तलबों का धोबन आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। सब चमक वालो पहुंचलो में चमका किए अंधे शीशों में चमका हमारा। अब आइए मुसलमानों एक बात बताइए, तकरीर अभी तक शुरू नहीं की है जी, मगर एक मंत्र सुना दे, बहुत प्यारा मंत्र सुना दे, सुना दे ऐसा मंत्र सुना रहे हैं कि पूरा फिर मन गदगदा जाएगा जी। आप लोग सुभान अल्लाह बोलने में सोच रहे हैं, कितने लोग सोच कितने लोग तो बोल रहे हैं और कितने लोग सोच रहे हैं कि आज बोले कि कल बोलेंगे कि परसों बोले तरसों बोले कहाँ बोले नहीं बोले, बोलना ठीक होगा कि नहीं होगा। और कितना लोग ये भी सोचता होगा कि सुभान अल्लाह मौलाना के नाना या दादा का नाम तो नहीं है जो बार बार बोल रहा है बोलने के लिए। कितने लोग कंफ्यूज भी होते होंगे जी, है ना चाचा जवानो खूब बाल रंगो जोड़ा तो है नहीं माशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ये 50 रुपया नेपाली नेपाली देने के सदके है ना अल्लाह तबारक व तआला जो है सो हमारे बड़े भाई की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। शादीशुदा है ना? नहीं तो बच्चे छोटे होंगे तो हाफिज आलिम बनने की दुआ दे देंगे, बच्चे को हंसने की क्या बात है भाई, बच्चे लोग हैं छोटे पढ़ने वाले माशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला मेरे भाई साहब के साहबजादे को वो है माशाअल्लाह। चलिए वो तो आप उम्र पाड़ जी अब मुश्किल है, खैर अल्लाह तबारक व तआला ए दीन सिरातल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। बोलिए आमीन। हाँ तो सोच सोच विचार नहीं ना कर रहा है ओ भैया ओ ओ चादर ओ हेलो कहाँ जा अब ये देखा ना हमरे हमरे तो सुंदर पूरा है का हमको देखिए आज आज की रात अब हमको देखिए आज की रात मुसलमानों सोने की रात नहीं है बल्कि आज की रात तो सोए हुए मुकद्दर को जगमगाने की रात है। Come on!
सुना और मंत्र सुने, अभी मंत्र शुरू किए हैं। ये मंत्र जो है तो ऋग्वेद से दो मंत्र पढ़ दिए हैं और अथर्ववेद से भी दो मंत्र पढ़े हैं और भागवत महान पुराण से दो मंत्र पढ़े हैं और भविष्य महान पुराण भविष्य पुराण से भी दो मंत्र पढ़े हैं। घबराइएगा नहीं, पेज भी बताएंगे, लाइन भी बताएंगे, अध्याय भी बताएंगे, हर लफ्ज को बताएंगे, तोड़ तोड़ करके हर एक शब्द का, हर एक शब्द का तर्जमा ट्रांसलेशन माना इंशाल्लाह बताएंगे। मगर ऐ मुसलमान हो एक बात बताइए, कितने लोग यहाँ पे जन्नत में जाना चाहते हैं? हाथ को उठाइए, स्टेज वाले उठा रखिए, उठा रखिए, उठा रखिए। अ जवान है, नहीं जाना है तो उठाना है, जहाँ शर्माना चाहिए वहां शर्माता नहीं, हीरो होंडा मांगता है। आने वाला जवान, आने वाला टाइम में तो हेलीकॉप्टर वा मांगेगा, जहाँ नहीं शर्मा जाएगा खूब शर्मा उठाओ 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 उठाओ। जाना है, बोलिए हाँ जाना, जाना है, जाना है, पक्का, जबरदस्ती लाठी लेके मुंह देख ला इनाम है, जन्नत की बात है जी। माँ बहन भी कम नहीं, यही तो कहती है, अभी तो और कहती है जन्नत में जेबे करेंगे, जन्नत में जेबे करेंगे। एक दिन में शोहर को 14,466 गाली बक देती है, जन्नत में जेबे करेंगे, इनका तो जवाब ही नहीं है, मत पूछिए। रोजा रखने में तो इतना आगे, साल में कई महीना होता है, 14 महीना, कितना महीना? 12 महीना, साल में 12 महीना। अम्मी से कहिए, बाजी से कहिए, चच्ची से कहिए, नानी से, दादी से कहिए, ओ चच्ची अम्मी 12 महीना साल में होता है, आप 6 महीना रोजा रखिए तो इनकार नहीं करेगी, रखती जाएगी, रखती जाएगी, 6 महीना लगातार रोजा रखेगी। और सहेली खूब जिम्मेदारी से खाती है जी, इफ्तार भी खूब जिम्मेदारी से करती हैं, भले फजर गोल, जुहर गोल, असर गोल, मगरिब गोल, ऐशा गोल, तरावी की तो बातें मत पूछिए, रोजा रखेंगी, सहरी खाती हैं। अब 12 बजे दिन में राहर की दतमल, राहर का दतमल लेके दाएं बाएं दाएं दाएं बाएं दाएं बाएं करेंगी, और जुमरतिया के बाप को खूब गाली पढ़ेंगी, कहेंगे हम रोजा से हैं, भुकाओ नहीं हम रोजा में हैं, खूब गाली पढ़िए, कहेंगे भुकाओ नहीं हम रोजा से हैं। अल्लाह ऐसे ही जन्नत में एरिन टिकली फीता खरीदे, जलसा में आइए तो सुनिए नहीं, जलसा में जलसा सुनने लोग थोड़े आती है, जलसा को खाने आती है, क्या करने आती है? खाने। जितने रिश्तेदार होंगे खाली खबर मिल जाए कौन गाँव में जलसा है, खबर कर देगी फन्ना यहाँ में जलसा आई है, उठे मिल ले भाई, उठे भेंट हो जाते, उठे देख ले भाई, जब जलसा मिलने आती है खाने आती है जी। अमत पूछिए, गीवत करने में तो इतना आगे कि जिसका जवाब नहीं है। अगर किसी का बेटा बेचारा धोखे से, अगर लग में चौक है नहीं, कौन चौक है, नगराइन चौक पे अगर धोखा से 2 थप्पड़ खा लिया है तो चुप्पे से आके बोल दीजिए क्या पप्पू की अम्मी आज बुधना का बेटा बड़ा पिटाया है नगराइन चौक पे, किसी को बोलना मत, देखे ना रात भर में पूरे लगमा नगराइन दोनों मोहल्ला में खबर फैल जाएगी, दावा करेगी जन्नत में जाने जी। चोरी करने में भी कम आगे नहीं है, घास करने जाएंगे अपने आड़ी पे, अपने आड़ी को छोड़ के दूसरे के आड़ी पे जल्दी जल्दी काट के बोरा में ठूसेंगी, या भागेंगी, या दावा जन्नत में जाने का। ऐ मेरी माँ बहनों, मैं आपको हंसाने के लिए इस तरह नहीं बोल रहा, अपना ऐसा अंदाज है कि आपको हंसी आ जाती है। आज आप फैजाने हुजूर सदर शरिया कॉन्फ्रेंस से एक पैगाम लेकर के जाओ मेरी माँ बहनों, अगर आप दाखिले जन्नत होना चाहती हो, अगर आप स्वर्गवासी होना चाहती हो, अगर आप जन्नत की हकदार होना चाहती हो, अगर आप बैकुंठ का शुभ यात्रा करना चाहती हो, अगर आप जहन्नम से बचना चाहती हो, तो आओ नबी की लाडली दुलारी प्यारी मनमोहनी बेटी खातून जन्नत फातिमतुज़्ज़हरा के औराक जिंदगी का मुशाहदा करो, और उनके औराक जिंदगी का मुशाहदा करके जब आप उनके नक्शे कदम पर चलोगी तो आप फातिमा तो नहीं बन सकती हो, मगर कलीजा ने फातिमा बन करके हकदारे जन्नत हो सकती हो। आशा करता हूँ कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरी माँ बहनें कल से गाली नहीं बकेंगी शोहर को, है ना, इंशाल्लाह। जिनसे पूछ तो हम नहीं सकते हैं, आशा कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं। भाई जवान सब का भी जोरा जवाब नहीं है, जन्नत की बात इधर साफ, इधरो साफ, इधरो पार, बीच में तन का सा, इसे लगा गधा का पोछ लटका के आ रहा है, दूर से आ रहा है तो पते नहीं चल रहा है कि आ रहा है कि आ रही है, मेल है कि फीमेल है, स्त्रीलिंग है कि पुलिंग है, मुजक्कर है कि मुअन्नस है, पते नहीं चल रहा है। ऐसा नहीं बाली यहाँ तक लटका लेता है, कोई कोई तो यहाँ तक लटका लेता है, एक जवान को हम देखे ट्रेन में यहाँ तक लटकाया, मतलब बबुआ बहुत कम है, ऐसा करो घुट्टी तक लटका ना लो,
गुट्टी तक लटका लो जी, नाक में झुमका, नाक में झुमका, कान में झुमका, नाक में नथिया, हाथ में क्या बोलते हो उसको, बलिया बलिया, गला में करीबा करीबा दाना वाला जो आता है क्या बोलते हो उसको, बरस भरस भरसलेट भरसलेट, ऐसा ऐसा ना सजेगा कि मत पूछिए जी। अजुम्मा इतना टाइट पैंट पहनता है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। एक तो पंच वक्ता नमाज पढ़ता नहीं है, अठिया और 360 पढ़ता है, अठिया में जाता है जुम्मा के दिन, इतना टाइट पैंट पहन करके जाएगा, इतना ना टाइट पैंट पहन करके जाएगा कि रुकू में जाएगा तो जैसे पीछे से पूरे दमदम का एयरपोर्ट नजर आता है। यही जवान सब जो जुम्मा जुम्मा शरीफ पढ़ता है टाइट पैंट पहन के जाएगा। इमाम साहब अगर खुतबे का वक्त 1 बजे है, अगर 1:05 हो गया तो बगल वाले को कहेगा जल्दी 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 करने के लिए, लेट हो रहा लेट हो रहा लेट हो रहा बेचारे। इमाम साहब अगर कहीं दुआ लंबी कर दिए जुमा के बाद, या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, तो पीछे से ये जवान सब कहता है इमाम साहब जल्दी दुआ खत्म कीजिए मेरे चप्पल के वास्ते। दावा जन्नत में जाने का, नमाज नहीं पढ़ेंगे, दावा जन्नत में जाने का। फजर में मौज़न साहब मस्जिद से अज़ान देते, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, उठो उठो नींद से बेहतर नमाज है। बगल का पड़ोसी उठाया है, डब्लू भाई चलो नमाज पढ़ लो अजान हो गए। बोले का जाने ना दो मंगला भाई, मौलाना का काम है अजान देने का, नमाज पढ़ने का, नींद अच्छी आ रही है सोने दो, अदावा जन्नत में जाने का। रमजान का महीना शुरू हो तो घर में सेरी खा लेगा सबको दिखाने के लिए। जनकपुर मार्केट में जाएगा, देखेगा जिस होटल में पर्दा लगा है, जल्दी से अगल बगल आगे पीछे देख के जल्दी से घुसा, खट से घुसा, फट से फटाफट खाया, मुंह को पुछता हुआ निकला। अब कोई देख लिया तो बोला का रे पूछना रे, रोजा ना है का? बोले का कहे मंगला चचा, गैस का प्रॉब्लम चल रहा है, एसी लॉक का पत्ता लेके घूम रहा है। दावा जन्नत में जाने का। ए मुसलमानों, ए जवानों, मेरे जुमले को आप हंस करके ना टालो, जन्नत पा लेना इतना आसान नहीं है। हिंदू धर्म की मशहूर किताब, किताब का नाम ऋग्वेद, पेज नंबर 9 है, मंत्र नंबर 14 है। एक किताब का नाम और नोट कीजिए, किताब का नाम अथर्ववेद है, पेज नंबर किताब का नाम अथर्ववेद है, पेज नंबर 7 है, मंत्र नंबर 18 है। मंत्र आया है जाको चाकू धारम, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ने पापम, इल्ला लम्मा परम पिदम जन्म बैकुंठ प्राप्ति तुझ जप नावे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस मंत्र का तर्जमा सुनिए, ओ संसार में बसने वाले मनुष्य, ओ पृथ्वी लोक पे रहने वाले व्यक्तियों, ओ दुनिया में जीवन को अवतरित करने वाले लोगों, ओ दुनिया में जिंदगी को गुजारने वाले लोगों, अगर आप स्वर्ग द्वार से गुजरना चाहते हो, अगर आप स्वर्गवासी बनना चाहते हो, अगर आप जन्नत को हासिल करना चाहते हो, अगर आप जहन्नम से बचना चाहते हो, तो दुनिया में कोई ऐसा मजहब नहीं, मगर हाँ एक ऐसा मजहब है कि जिसका नाम मजहब इस्लाम है, सुभान अल्लाह। ओ संसार में रहने वाले लोगों, एक ऐसा मजहब है जिसका नाम मजहब इस्लाम है, उस मजहब इस्लाम में एक ऐसा पवित्र मंत्र है कि आप उस मंत्र का अध्ययन करोगे, उस मंत्र का जाप जपोगे, तो अल्लाह तबारक व तआला आपके हृदय की सफाई करके आपके सीना को इश्के नबी का मदीना बना देगा। पंडित जी ने लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ने पापम, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से अल्लाह तबारक बंदे के नाम अमल से गुनाहों को यानी पापों को मिटाता है, और इल्ला लम्मा परम पिदम जन्म बैकुंठ प्राप्ति तुई जपो नामे मुहम्मदम, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम का माला जपने से अल्लाह तबारक व तआला बंदे के नाम अमल में नेकियां लिखता जाता है। सब लोग मिलकर के पढ़िए कलमा तैयब, ला इलाहा इल्लल्लाह आइए इस मंत्र की फजीलत देखिए, इस मंत्र के बारे में हिंदू धर्म की मशहूर किताब ऋग्वेद में, ये वो किताब है जिसको हम लोग नहीं वो लोग इशारा समझ रहे हैं ना, वो लोग आकाशीय ग्रंथ आकाशीय पुस्तक मानते हैं, वो लोग उस किताब में है। मैं मंत्र नंबर भी बताया, पेज नंबर भी बताया, मगर आप आगे पलट करके आइए, आपका सवाल होगा वो इकबाल चतुर्वेदी क्या ये बात धर्म इस्लाम से भी कहीं से साबित है, तो आओ लग लग मां के सुन्नी दयालु जयालु मुसलमानों, फैजारे हुजूर सदर शरिया कॉन्फ्रेंस में आने वाले सुन्नी दयालु जयालु मुसलमानों, आप जहन को करीब करो, हमारी गुफ्तगु से आप मुसाफा करते चलो, आए आप जहन को करीब करें। एक अल्लाह के वली है जिनका नाम हजरत बाबा बायजीद बुस्तामी है, सुभान अल्लाह। हजरत बाबा बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह एक बार पढ़ने से, ला इलाहा इल्लल्लाह एक बार पढ़ने से अल्लाह ताला
बंदे के नाम अमाल से 12,000 गुनाहे सगीरा को माफ कर दिया करता है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह एक बार पढ़ने से अल्लाह तबारक व तआला बंदे के नाम अमाल में 12,000 नेकियां जोड़ दिया करता है। आपका सवाल होगा, ओए पाल चतुर्वेदी, एक बार पढ़ने से 12,000 ही गुनाह माफ क्यों होता है? 15,000 गुनाह माफ क्यों नहीं होता? 20,000 गुनाह माफ क्यों नहीं होता? 25,000 गुनाह माफ क्यों नहीं होता? मोहम्मद रसूलुल्लाह एक बार पढ़ने से 12,000 ही नेकियां क्यों जोड़ा जाता है? 10,000 नेकियां क्यों नहीं जोड़ा जाता? 18,000 नेकियां क्यों नहीं जोड़ा जाता? तो ए मुसलमानों, मैं किसी के कान में नहीं डंके के चोट पे बोल रहा हूँ। अगर शक हो तो घर जाकर के लिख कर चेक कर लीजिएगा, अगर कम हो जावे तो मोबाइल नंबर नोट कीजिए 82 27 98 47 88। जब जी में जहाँ आवे बुला लेना। इस्लाम में जो सजा छोड़ की है वो सजा आप पाल चतुर्वेदी के लिए मुकर्रर कर देना। आप घर जाकर के लिख करके चेक कीजिएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह में 12 अक्षर 12 हरफ 12 वर्ड अल्लाह तबारक बताला हर एक एक हरफ के बदले बंदे के नाम अमल से 1,000 गुनाहों को मिटाता है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह में भी 12 अक्षर अल्लाह तबारक बताला हर एक एक हरफ के बदले बंदे के नाम अमल में 1,000 ने किया जोड़ते जाते हैं। पहला नाम खुदा, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ो नानक तब हो ईश्वर कबूल। और तुलसीदास जी ने कहा, तुलसी भजन सच्च गोई, बिना मोहम्मद पार न होई। चाहे प्रभु कहो चाहे ईश्वर कहो तुलसी, बिना मोहम्मद बैकुंठ प्राप्त न होई। ये उस तुलसीदास की जबान है जिसने जिंदगी भर आग की पूजा की है, जीवन भर पत्थर को पूजा है, जीवन भर जमीन को पूजा है, जीवन भर सूरज को पूजा है, जीवन भर चांद को पूजा है, जीवन भर सितारों को पूजा है, मगर अंतिम समय में आखिरी टाइम पे लास्ट टाइम पे तुलसीदास अपने मानने वालों को आदेश देता, संदेश देता, पैगाम देता है कि मेरे मानने वालों सुनो, मैंने अपनी जिंदगी में जो किया उसे अपनी जगह रहने दो, मगर मेरे भक्तों सुनो, अगर तुम लोग जन्नत को हासिल करना चाहते हो और अगर सत्य पथ यानी सच्चे रास्ते पे चलना चाहते हो तो तमाम दुनियादार के दामन को छोड़ दो, मदीने के ताजेदार के दामन को थाम लो, हकदारे जन्नत हो जाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीने के ताजेदार के दामन को थाम लो, हकदारे जन्नत हो जाओगे। तो आइए सब लोग मिलकर के, जितने लोग अपने अपने पाप को यानी गुनाह को कटवाना चाहते हैं सब लोग मिलकर के पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐसे पढ़िएगा। एक बार पढ़ने से कितना माइनस में जा रहा है, कितना जा रहा है, कितना प्लस पॉइंट में आ रहा है? जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वादा कीजिए कल से सब लोग हमेशा मकान में, दुकान में, खेत में, गलियान में, चौक पे, चौराहे पे हमेशा पढ़िएगा ना। हाथ उठा के बोलिए ना इंशाल्लाह, इंशाल्लाह पढ़िएगा हमेशा हमेशा। बेटा देखेगा कहेगा अब्बा पगला गया है, अब्बा फ्यूज कर गया है। बेटा दौड़ता हुआ माँ के पास जाएगा, बोलेगा अम्मी जुलूम हो गया, गजब हो गया। माँ कहेगी रे बबुआ इतना जल्दी का हो गया है? बेटा कहेगा अम्मी जल्दी से पैसे का इंतजाम करो, अब्बा को जनकपुर सदर हॉस्पिटल में ले जाना है। माँ कहेगी बेटा अच्छा भला तेरा बाप घर से नाश्ता करके अभी निकला है, इतनी जल्दी पागल कैसे हो गया है, पॉजिटिव पॉइंट उड़ कैसे गया है? बेटा कहेगा अम्मी कल मोहल्ले में फैजान हुजूर सदर शरिया कॉन्फ्रेंस एक जलसा हुआ था, इसमें मौलाना गुलाम मुर्तजा आसमी साहब ने हल्के फुल्के चतुर्वेदी 46 किलो 700 ग्राम के आदमी को इंडिया मधुबनी से बुलवाया था। जब से अब्बा उसकी तकरीर सुन के आया है हमेशा अपनी जबान को पटपटाता रहता है, हिलाता रहता है, चलाता रहता है, लग रहा है अब्बा पागल हो गया है। चलो अब्बा का इलाज करवा दिया जाए। अगर बच्चे की माँ दीनदार होगी, सौमो सलाद की पाबंद होगी, माँ पूछती है बेटा ये तो बता कि तेरा बाप जब से जलसे से आया है अपनी जबान से आखिर बोल क्या रहा है, आखिर कह क्या रहा,
रहा है, आखिर पढ़ क्या रहा है। बेटा कहेगा अम्मी जब से अब्बा जलसे से आए हैं हमेशा अपनी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम का माला जप रहे हैं। बच्चे की माँ सौम सलात की पाबंद होगी, सौम सलात की पाबंद होगी, नमाजी होगी, रोने लगेगी, आंखों से आंसू अश्कबार हो जाएगा और अपने बेटे को कलेजे से लगाएगी, कहेगी ऐ मेरे लाल, ऐ मेरे जिगर का टुकड़ा, आज से पहले जब भी तेरा बाप अपनी जबान को खोला है किसी न किसी दुनियादार के लिए अपनी जबान को खोला है, ऐ मेरे लाल, ऐ मेरे जिगर का टुकड़ा, आज तेरा बाप पहली बार अपनी जबान को मदीने के ताजेदार के लिए खोला है, ऐ बेटा दुआ कर कि जब तक तेरा बाप नेपाल में रहे इसी नाम का माला जपता रहे, और जब तेरा बाप नेपाल से कब्रिस्तान जाए इसी नाम का माला जपता हुआ चला जाए, ताकि तेरा बाप बगैर हिसाबों की दाब हकदार जन्नत हो जाए। बेस्ट रिलीजन, नो एनी रिलीजन बेटर देन इस्लाम, इफ एनी रिलीजन हैज द चांस ऑफ द रूलिंग अवर इंग्लैंड ना यूरोप, दे थिंक नेक्स्ट 100 इयर्स इफ कैन ओनली बी इस्लाम। आई हैव ऑलवेज हेड द मोहम्मद इन आई इश मिशन बिकॉज वंडरफुल लाइफ इज द मोहम्मद आइडियल इज एनी पर्सन, मोहम्मद इज ए ग्लोबल लव, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस्लाम के जैसा दुनिया में तो कोई मजहब नहीं है, अगर बाप की बाप का बाप की इज्जत करने का तरीका किसी ने सिखाया है तो मजहब इस्लाम ने सिखाया है, माँ की इज्जत करने का सलीका किसी ने सिखाया है तो मजहब इस्लाम ने सिखाया है, दुनिया में जीने का सलीका किसी ने सिखाया है तो मजहब इस्लाम ने सिखाया है। ऐ मुसलमानों जहन को करीब कीजिएगा, एक मुसलमान नहीं एक यहूदी डॉक्टर है, इस डॉक्टर का नाम डॉक्टर नादिर शाह है जो इंग्लैंड का रहने वाला है, जब उसने दुनिया के तमाम मजहबों को देखा, दुनिया में मजहबों की कमी नहीं है, एक अनुमान लगाया गया, टारगेट कोई फिक्स नहीं बता रहा हूँ, एक अनुमान लगाया गया, मंथन किया गया तो लोगों ने कहा कि दुनिया में कम उन्होंने बताया कि टारगेट है, अनुमान है, अनुमान है कि दुनिया में कमोबेश 34,000 मजहब है, मगर मुसलमानों दुनिया के 33,999 मजहब को तराजू के एक पल्ले पे आप रख दो, मजहब इस्लाम को अकेला प्रथम सिंगल वाहिद तराजू के एक पल्ले पे आप रखो तब आप वजन उठाओगे तो 33,999 धर्मों का पल्ला हल्का पड़ता नजर आएगा, मजहब इस्लाम का पल्ला उन तमाम धर्मों पे भारी पड़ता हुआ नजर आएगा। इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन, नो एनी रिलीजन बेटर देन इस्लाम, इफ एनी रिलीजन हैज द चांस ऑफ द रूलिंग अवर इंग्लैंड ना यूरोप, ए थिंग नेक्स्ट 100 इयर्स इफ कैन ओनली बी इस्लाम। इस दुनिया में इस्लाम से बेहतर और कोई मजहब ही नहीं है, ये कोई मुसलमान नहीं कह रहा है, डॉक्टर नादिर शाह कह रहा है, और डॉक्टर नादिर शाह आगे कहता है ऐ दुनिया में रहने वाले लोगों अगर खाने का तरीका सीखना है तो किसी और के पास क्यों जा रहे हो, और मेरे मुसलमान अगर खाने का तरीका सीखना है तो मोहम्मद की जिंदगी से सीखो, बोलने का तरीका सीखना है मोहम्मद की जिंदगी से सीखो, बीवियों से मोहब्बत करने का तरीका सीखना है मोहम्मद की जिंदगी से सीखो, बेटियों से प्रेम करने का तरीका सीखना है मोहम्मद की जिंदगी से सीखो। आगे वो डॉक्टर कहता है मोहम्मद इसे ग्लोबल लवर यानी कायनात के दूल्हा जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सिर्फ मुल्क अरब या मुल्क भारत या मुल्क पाकिस्तान के लिए इस जमीन पर रहमत बन के नहीं आए बल्कि मोहम्मद इसे ग्लोबल लवर कुरान कह रहा है हमार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत अली आलमीन यानी आमरा के लाल अब्दुल्लाह के लख्त जिगर इस जमीन पे पूरे अरब आजम के लिए रहमत अली आलमीन बनकर के तशरीफ लाए हैं। एक प्यारा मंत्र सुनिए और उसके बाद इंशाअल्लाह मेरे बाद सरपरस्ते जलसा इंशाअल्लाह मुफ्ती अशरफ रजा बरकाती साहब किबला कि आप नूरानी हक्कानी बयान से मुस्तफीज होंगे। मैं एक बड़ा प्यारा मंत्र सुनिए एको जगदीश बना एको जगत गुरु सर्व अवतार सत्य सर्व धर्म सत्य सर्व ग्रंथ सत्य सर्व सर्वदा समान नमो चतुर्थ मुख्यतम शांत्यम विश्वस्य मनोष्ट्यम हृदयम परिश्वातम 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 स्वर्गवास्य भोम शांत्यम विश्वान नमो नमः।
तर्जमा। इस मंत्र का बड़ा प्यारा तर्जमा है, तर्जमा गौर से सुनिएगा। इस मंत्र का तर्जमा कि इस दुनिया में जब हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, हर तरफ जुल्म और सितम का बाजार गर्म था, हर तरफ कालिक पोता हुआ था, इस दुनिया में उजाला फैलाने वाला कोई ना था, हर एक लोग नफसी नफसी के आलम में थे, हर एक लोग जिंदगी से बेहतर मौत को समझ रहे थे। तो ऐसे समय में, ऐसे टाइम पे, ऐसे वक्त में इस जमीन पे, इस पृथ्वी पे कोई और नहीं आया है, एक ऐसा बालक आया है कि जिस बालक का नाम वेदों में जगतपति कहा गया है, जिस बालक को वेदों में नराशंस कहा गया है, जिस बालक को वेदों में कल की अवतार कहा गया है, और इस मंत्र में कहा गया कि दुनिया वालों, तब ऐसे समय में कैसे बालक आएंगे जो इस जग के जगतपति होंगे। जब वो आएंगे तो इस जमीन पे हर तरफ उजाला फैलता चला जाएगा, जब वो आएंगे तो इस जमीन पर से अंधेरे को छापते चले जाएंगे, हर तरफ उजाला फैलता चला जाएगा। तभी तो कहा गया जहां तारीख था जुल्मत कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दों से क्या निकला के घर घर में उजाला था, कोई पर्दों से क्या निकला के घर घर में उजाला था। मुसलमानों, आमना के लाल विष्णु यश के दुलारे, सुमती के आंखों के तारे, यानी जो शंबल ग्राम की धरती पे पधारे, जो शंबल ग्राम की धरती पे पधारे, हयाते जाहरी ओनली फॉर 63 इयर्स, यानी हयाते जाहरी ओनली फॉर 63 इयर्स, यानी 63 साल की हयाते जाहरी है। मगर अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ लगमा के सुन्नी मुसलमानों, आमना के लाल हजरत अब्दुल्ला के लफ्ज जिगर ने 63 साल की उम्र में ऐसा कैरेक्टर दिखाया, ऐसा लक्ष्य दिखलाया कि आमना के लाल के कैरेक्टर का वाटर जिधर जिधर बहता गया है, पूरी दुनिया में इस्लाम तेजी के साथ फैलता चला गया है। इंशाअल्लाह हयात बाकी रही और आपकी मोहब्बतें बाकी रही, बोलिए ना हयाना, बोलिए ना इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। तो फिर कभी दोबारा आना होगा। आइए सब लोग मिल करके पढ़िए कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद, बुलंद आवाज से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उनवान बाकी रहा, बहुत सारे मंत्र का तर्जमा ही बाकी रह गया, इंशाअल्लाह फिर कभी। अस्सलामु अलैकुम।